दोस्तों क्या होगा अगर हम 2020 में बने हथौड़े को और 1960 में बने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखें तो? वैसे तो हम सभी जानते हैं हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ताकतवर होती है, बड़ी से बड़ी चीज को जल्दी से कचुमड़ बना देती है। लेकिन क्या होगा 2020 में बने हथौड़े को और 1960 में बने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस में नीचे रखा जाए, कौन सा हथौड़ा टिक पाएगा? देखते हैं ये कौन सा हथौड़ा टिक पाएगा। सबसे पहले 2020 वाले हथौड़े को एक ईंट पर मारकर देखा गया, उसने आसानी से ईंट को तोड़ दिया। अब बारी है 1960 में बने हथौड़े की, ये तो बहुत आसानी से ईंट को तोड़ देता है। अब बारी है हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की, सबसे पहले 2020 वाले हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और देखते हैं इतने कितना वजन सह पाता है, ये तो 50 टन वजन सह पाया और उसके बाद चटक गया। अब बारी है 1960 वाले हथौड़े की, इससे पहले आप अगर अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे, और कमेंट में लव यू मॉम डैड जरूर लिख दें। और ये हथौड़ा तो 100 टन वजन पर भी नहीं हिला, ये बहुत ही मजबूत होता है।